मतलब मुझे एक्चुअल में इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूं, क्यों? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। टाइम किसके लिए इंपॉर्टेंट है? आपको पता है कि हाँ, एक मिनट, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मेरे को क्लियर है, और जो अपना टाइम खराब कर रहे हैं उनको क्लियर नहीं है। ऐसे लोगों को जानते हो जो सुबह से रात तक बस बैठे रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। क्यों क्यों करते हैं? थियोरेटिकली तो उनको पता है टाइम इंपॉर्टेंट है, बट उनके सारे एक्शंस कह रहे हैं कि उनके लिए टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में। हाँ, बोलते हैं कि मेरे को ये करना है, एक्चुअल में कुछ नहीं करना। लाइफ में एक ऐसा पर्पस चाहिए जो इतना बड़ा हो कि आपको एक मिनट के लिए भी चैन से बैठने ना दे। तो अब आप यहां से जवाब देख सकते हो कि मेरे लिए टाइम इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज मेरी लाइफ का एम क्या है, गोल क्या है? कोई गोल नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो गोल। जितने गोल्स थे वो मैंने अचीव कर लिए हैं। अभी भी क्यों टाइम को वेस्ट नहीं कर रहा हूं? बिकॉज पर्पस है। वो पर्पस क्या है कि इस इंसान होने का जो मतलब है, यानी आई हैव गॉट दिस बॉडी, आई हैव गॉट दिस ब्रेन, माइंड, दिस वे ऑफ थिंकिंग, इंटेलेक्ट, ये सब है ना, ये मेरे पास में है ना, इसकी जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है उसको अचीव करना है मुझे। सर, ये जो आपके क्वेश्चंस और ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब कि आप बढ़ चुके हैं आगे फ्रॉम फाइनेंशियल फ्रीडम, यू हैव अचीव्ड द फाइनेंशियल फ्रीडम, उसके बाद आप ये सब सोच पा रहे हैं। सो सबसे पहले तो हम लोग को फाइनेंशियली पहले फ्री और ये सारी चीज़ें जब हम लोग के दिमाग से हटेंगी, तभी तो फिर हम लोग ये सारी स्पिरिचुअलिज्म पर सोच पाएंगे। सर, अब आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भाई कि ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ ये स्पिरिचुअल बातें हैं। ये तो बातें तब है ना जब पेट भरा हुआ हो, जब हमारे पास में पैसा आ जाए, जब हमारे पास में उससे ज्यादा हो जितना हमको चाहिए, तब ये सारी बातें काम की है। नहीं, अगर आपका पर्पस हो जाता है ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि जो भी ये इंस्ट्रूमेंट मेरे पास में है इसकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को अचीव करना, तो क्या फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इसका पार्ट है या नहीं है? इट इज वन ऑफ द पार्ट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो इस पर्पस में ये भी आ गया। ये कह लो ये पर्पस एक ऐसा है जो सीढ़ियां आप आगे ऊपर चढ़ते चले जा रहे हो जिसका एंड है ही नहीं, उसकी पहली सीढ़ी यही है। इफ यू आर नॉट फाइनेंशियली फ्री, इफ यू आर वर्किंग फॉर मनी, तब तो पूरे दिन सुबह से रात तक यू आर जस्ट वर्किंग फॉर मनी। तो पूरी जिंदगी क्या किया? पैसे के लिए काम किया, पैसे के लिए जिए, पैसे के लिए मरे, तो अपने पे तो काम कभी किया ही नहीं। तो इसको अलग मत करो, यही हमारी सबकी प्रॉब्लम है। अभी हुआ क्या है, जिस तरह का हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमने इन दो चीजों को अलग अलग कर दिया है। यानी स्पिरिचुअलिटी को, स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ योर ब्रेन वर्क्स, हाउ योर बॉडी वर्क्स, इट इज नॉट द लास्ट स्टेप। यही प्रॉब्लम हुई है। अभी आप लोग क्या सोचते हो कि अभी हमारी एज है 18-19 साल, अभी क्या जरूरत है कि पैर कब्र में लटके पड़े होंगे, 70 साल के हुए पड़े हैं, सुनाई दे नहीं रहा है, तब आगे कुछ चल रहा है। क्या बोल रहे हो? अरे क्या खत्म हो गया क्या? देखा ऐसे लोगों को बैठे हुए, समझ आ रहा है उनको कुछ ना जी? तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर बॉडी, योर माइंड, योर इंटेलेक्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ थिंग्स वर्क, हर चीज को बारीकी से समझ लेना कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो इसकी वजह से क्या होने वाला है अगले 5 साल बाद। जो मैं बनने की सोच रहा हूं, वो जो लोग बन चुके हैं, क्या उनकी लाइफ बहुत कमाल की है? उनकी जिंदगी अगर झंड है तो मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? मैं अपने 5 साल क्यों खराब करने वाला हूं? वहां पे दिमाग लगाना इंपॉर्टेंट है कि मैं एक्चुअल में फाइनेंशियली फ्री कैसे हूं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है कि आने वाले 10 साल बाद मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, उसके बाद जिंदगी में कभी भी मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा। ये हमारा गोल होता है, या होता है कि बस किसी तरीके से मेरे पास में इतना पैसा आ जाए कि वहां से ये हो जाए, उसके आगे हम सोचते ही नहीं है। बहुत छोटा सोचते हैं। मतलब उसमें एनर्जी कहां है, उसमें जान कहां है, उसमें पावर कहां है? तो जब गोल बनाना ही है इस एज में, तो ढंग का बनाओ ना। ढंग का गोल का मतलब क्या क्या है? ढंग का गोल, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूंगा 10 साल बाद जो कोई करने की सपने में भी नहीं सोच सकता है। एनर्जी आई गोल से या नहीं आई? मजा आ रहा है गोल सुनने में? नहीं आ रहा है? तो जब ऐसे हम गोल सेट करते हैं तो एक तो नंबर वन एनर्जी आ जाती है, और नंबर टू अब आप टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि आपका गोल औरों के गोल से बहुत बड़ा है।
गोल छोटा मोटा हो तो यू कैन अफोर्ड टू वेस्ट टाइम, यू कैन अफोर्ड टू किल योर टाइम. अगर गोल बड़ा हो तो नॉट पॉसिबल, टाइम ही नहीं है. अब तो दिन में एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है. सर जो जॉब कर रहा है वो फाइनेंशियली फ्री कैसे होगा? क्यों नहीं हो सकता? अब ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो जॉब कर रहा है वो फाइनेंशियली फ्री कैसे होगा. सुंदर पिचाई का नाम सुना है आपने? Yes. कितना कमाते हैं वो? 350 करोड़. 350 करोड़ पर मंथ या पर ईयर? जो भी है कम नहीं है. कुछ भी करने से पहले आपको पैसे की टेंशन ना हो. मतलब अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो आप राइट साइड में ना देखो, लेफ्ट साइड में देखो. सिंपल करता हो. 250 रुपये, 180, 170, 5 रुपये पापड़. भैया पापड़ नहीं, पापड़ नहीं. कभी भूल के भी ये मत समझ लेना पैसा इज नॉट इम्पॉर्टेंट. अगर पैसा नहीं है आपके पास में तो ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूं वो सब बेकार है. मैं क्या कह रहा हूं, गोल सेट करना ही है तो ढंग का गोल सेट करो ना. डिस्कवर दी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, दी हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ दिस, ऑफ दिस. मैंने दिस तो कर दिया, मेरा मत डिस्कवर करने लगा. हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ दिस. ये पर्पस कभी भी अचीव नहीं होने वाला है, लेकिन मजा बड़ा आने वाला है. लास्ट मोमेंट भी जब होगा ना, मतलब ऐसा अंदर से पर्सनालिटी ऐसी बनती चली जाती है कि अगर एक्चुअल में आपको पता है कि हाँ मौत सामने खड़ी है और अब कुछ नहीं हो सकता है, एक बिल्डिंग में हो और पता है भूचाल आ रहा है, अब जब तक बाहर जाएंगे तब तक तो कांड ही हो जाएगा. बैठ करके देख रहे हो सब कुछ हिल रहा है, मरने वाले हैं, मरो, उसको भी देख रहे हो. दैट इज पार्ट ऑफ दिस पर्पस, नॉट जस्ट लाइफ, इवन डेथ इज द पार्ट ऑफ दिस पर्पस, टू डिस्कवर द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ. ज्यादा हो गया थोड़ा सा, कभी कभी होना चाहिए. Wish you all the very best. Thank you so much for coming.